मैं थोड़ी ना तेरे भाई को खा जाऊंगी। क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और वो मेरा भाई है। कि वो रोमा को ना कह दे, तू कितना भी चिल्लाएगी ना वो नहीं जगेगा। भूल गई कैसे दुत्कार के भगाया था कमरे में से? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यार ये लाइट्स कहां से आ रही? मानसी पर्दा बंद करो। नहीं चल के मेरे साथ योगा कर। यार मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मैं एग्जाम्स के बाद ही कुछ करूंगा, योगा भी। और एक बात बता, मेरा चश्मा कहां है? सुबह से मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, तूने छिपाया ना, बता कहां है? उम्र देखी है अपनी, अभी से चश्मे लगा के रखता है तू। ओहो तो अब तुझे मेरे चश्मे से भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मुझे तेरी चश्मे से नहीं, तेरी लाइफस्टाइल से है। मैं से छोटा है पर अंकल लगता है तू। अच्छा ये जो मेकअप चढ़ा रखा है ना, एक बार धो के और शीशे में देख, फिर पता चलेगा कि अंकल कौन है और आंटी, समझी? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों का, क्या चल रहा है? क्या आज तो तुम गई मानसी, ये क्या सुबह सुबह पूरा घर सर पे उठा के रखा है? छिपा के रखी है माँ। मानसी अभी चुप करो, देखो तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। मेरे बैंक में ऑडिट होने वाला है, इसलिए अगले कुछ दिनों मैं काफी बिजी रहूंगी, समझे? और तुम दोनों को अपना अपना ध्यान रखना है। मानसी आप टेंशन मत लो माँ, मैं संभाल लूंगी। जय अब मुझे बोलो किस लिए झगड़ रहे थे तुम दोनों? माँ मैं जय को बोल रही थी कि मैं रोमा से योगा क्लासेस ले ही रही हूँ, और वो मुझे बोल रही थी कि वो एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करेगी, तो जय भी मेरे साथ योगा कर लेता। माँ मेरे एग्जाम सर पे, अब आप ही बताओ कि मैं एग्जाम्स की तैयारी करूँ या इसके साथ योगा सीखूँ? जय मेरी बात मान ले, एक दो दिन योगा करके देख ले, इससे एकाग्रता बढ़ती है और इससे तुझे पढ़ाई में फायदा ही होगा ना। लेकिन माँ लगता है रोमा आ गई, छोड़ तो मत कर योगा, मैं चली। अरे तुझे तो देख लूंगा मैं। चुप कर। रेडी फॉर योगा? हाँ सच बताऊं योगा तो एक बहाना है, मैं तो रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ क्योंकि अब हम बेस्ट फ्रेंड बन गए ना। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आंटी, आज इतना जल्दी रेडी हो गए आप जाने के लिए? अरे बेटा पूछो मत, अगले कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहेगा। मानसी किचन में नाश्ता बना के रखा है और बेटा तेरे लिए भी बना के रखा है। थैंक यू सो मच आंटी। नाश्ता कर लेना। चलो बाय बाय बाय। शुरू करें? हाँ। मैंने जय को बोला था कि वो साथ ही योगा करे पर उसने मना कर दिया। इट्स ओके। मुझे पता है कि तुम जय को पसंद करती हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। मतलब? मतलब वो बहुत बोरिंग पढ़ाकू टाइप है। वो सब तो है ना मुझ पे छोड़ दे, मैं ऐसे पढ़ाकू को है ना दो दिन में पढ़ाई भुलवा सकती हूँ। ए ये मत भूलो वो मेरा भाई है। अरे बाबा मैं थोड़ी ना तेरे भाई को खा जाऊंगी, मतलब मैं तो बस उससे दोस्ती करना चाहती हूँ जैसे मेरा भाई मोंटी तुमसे दोस्ती करना चाहता है। देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ मानसी मेरे साथ ही है। नहीं वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा दिन उससे शुरू होता है और उसी से खत्म। चलो मैं रखती हूँ, बाय। खैर हम शुरू करते हैं। हाँ ऐसे करो मैं भी आऊँ।
वेलकम जय। वैसे मन कैसे बना लिया आपने आने का? क्योंकि मैं मम्मी की बात को नहीं टालता। ठीक है, ठीक है, ऐसे करो, आंखें बंद, हाथ आगे करो, बैक ऊपर, लीन हो जाइए और फिर कोबरा पोज में आ जाओ। पूरा लीन हो जाना और आंखें बंद। तुम ठीक तो? आज के लिए बस इतना ही काफी है। अच्छा सुनो, मम्मी घर पर नहीं है तो आज रात तुम यहीं रुक जाना, हम साथ में एंजॉय करेंगे। Obviously, it's a good idea. चलो मैं नाश्ता लगा देती हूँ, हम साथ में नाश्ता करते हैं। तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं जय को बुला लेती हूँ। हेलो जय, तुम यहाँ क्या करते हो? हाय। वो मैं तुम्हें नीचे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। क्या है कि मेरा ऑनलाइन क्लास है, तो नाश्ता मैं कमरे में ही करूँ। वैसे मैं एक बात कहूँ। क्या? आपकी परफ्यूम की स्मेल बहुत ही अच्छी है। वाकई तुम बहुत पागल। सुनो, आइंदा बिना परमिशन के मेरे कमरे में मत आना। एक बात बताओ, तुम मेरे भाई से मिलने के लिए क्यों ना करती रहती हो? कुछ समय पहले किसी ने मेरा दिल तोड़ा था, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। फिर से मैं दोबारा उन जज्बातों से नहीं गुजरना चाहती, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। मैं समझ सकती हूँ सच में, पर मोंटी एक सच में बहुत अच्छा लड़का है, और मुझे सच में अच्छा लगेगा कि तुम दोनों साथ रहो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और वो मेरा भाई है।
तुम उससे एक बार मिल क्यों नहीं लेती? मेरी खातिर प्लीज। ठीक है तो अभी मिल लो। अभी? हाँ। हाय। लगे रहो तुम लोग, मतलब बात कर लो, मैं फ्री होके आती हूँ। अरे सुनो सुनो, मैं अंदर आ जाऊँ? अब क्या है? एक्चुअली में ना मुझे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? अरे मानसी बता रही थी कि मतलब आप आंटी की हेल्प कर रहे हो ना इनकम टैक्स भरने में, तो प्लीज तुम मेरी भी हेल्प कर दोगे? मैंने कितने टाइम से इनकम टैक्स नहीं भरा है। ठीक है बट पैन कार्ड तो लाई होगी ना? एक बात बताओ। इनकम टैक्स तो एक बहाना है, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। तुमसे प्यार जो करते हो, मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आता, और दूसरी बात कि मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाना चाहता हूँ, इन सब चीजों पर नहीं। तो मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ पढ़ाई करने से? I hope you're comforted. पता है अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे। रुको, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो? I'm sorry. मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। लेकिन तुम सही कह रही हो, मुझे अपने हद में रहना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। नहीं रोमा, नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूं। तुम जाओ यहां से। थोड़ी का जो रास्ता क्या है जिसको मैं छोड़ूंगी? क्या करने जा रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? वो दो पौड़ी का जो है, उसने मेरी बेइज्जती की। मेरी? मैं उसकी जान ले लूंगी। चाहे जो हो जाए, हमें अपने प्लान पे बने रहना होगा। आया समझ में? भाड़ में जाए तुम हार, तुम्हारा वो घटिया प्लान, उस जैसे बदला तो मैं लेके रहूंगी। तुम्हारे गर्म दिमाग के चक्कर में हम दोनों मारे जाएंगे। शांत हो जाओ ना यार,
और वैसे भी मैंने मानसी को अपनी जाल में फंसा लिया। तुम बस हर हाल में आज रात जय के साथ रिश्ता बना लेना ताकि हम उन दोनों का MMS बना सके और ब्लैकमेल कर सके। आया समझ में? ये काम मैं आज रात ही करूंगी। अरे रोमा, मोंटी, हाय। क्या हुआ? मैं बस पानी पीने आया था। तू पानी पिया? हाँ पी लिया। वैसे रोमा बता रही थी कि आज रात वो यहाँ रुकने वाली है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं इसको छोड़ के आती हूँ। बाय। मानसी। हाँ? जरा अंदर आना। वो लड़का कौन था? वो रोमा का भाई है। हम लोग बस फ्रेंड्स हैं। तुमने कभी बताया नहीं कि रोमा का भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अपनी हद में रह, पापा बनने की कोशिश मत कर। ठीक, कोई बात, मैं सारी बातें मम्मी को बता दूँ, फिर देखते हैं। अरे जय, जय एक मिनट बात तो सुन, जय। अरे खत्म हो जाएगा ना, मैं आ जाऊंगी बैंक में। हाँ ठीक, बाय। अरे ये रोमा किधर है? आ रही होगी। अरे जय, क्या हुआ तुझे? ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे? कुछ नहीं माँ, पढ़ाई की टेंशन है, आपको तो पता ही है एग्जाम्स आने वाले हैं, और कोई बात नहीं। अरे बेटा तू क्यों टेंशन ले रहा है? मुझे पता है तू पढ़ाई में अपना बेस्ट दे रहा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। जितने भी तुझे नंबर आएंगे ना, मुझे उतने काफ़ी है। टेंशन मत ले। अरे चावल भूल गई मैं, लेके आती हूँ। मम्मी को मोंटी के बारे में ना बताने के लिए थैंक यू। मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया ताकि वो दुखी ना हो। दिन रात मेहनत करती हैं ऑफिस में ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। उन्हें कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे ना होके इन बकवास चीज पे। हेलो, वाओ, खाने की मैक से तो और भी ज्यादा भूख लगने लग गई है। आ गई तो? तू भी ले। वैसे एक बात बता रोमा, तुम लोगों की दोस्ती कैसे हुई? मेरा मतलब है एक महीने पहले ही मिले हो ना तुम लोग। वो एक्चुअली मैं योगा क्लास गई थी और वो लोग एक महीने का 4,000 चार्ज कर रहे थे और वहीं पे मेरी मुलाकात रोमा से हो गई। तो इसने मुझे बोला कि ये मुझे घर आके योगा सिखा देगी, वो भी आधी फीस में, है ना रोमा? और ये सबसे अच्छा हुआ कि हम मिले और आज हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चल ले लो। Thank you.
हेलो माँ। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, बस सोने जा रहा था मैं। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। रोमा बाहर जाओ यहाँ से। जैक कम ऑन जैक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रोमा बोला ना बाहर जाओ। मैं नहीं जा रही, तुम भी आ जाओ। चल। अरे मैं उस जय को नहीं छोड़ूंगी। क्यों, क्या हुआ? अपने प्लान के मुताबिक मैं उसके पास गई थी और उसने क्या किया, उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने कमरे से निकाल दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो रोमा को ना कह दे। रोमा शांत हो जाओ, गुस्से में अक्सर इंसान गलती कर जाता। तो बोलो अब क्या करें? अब क्योंकि जय तुम्हारी जाल में नहीं फंसा, हमें प्लान बी की तरफ जाना होगा। प्लान बी? प्लान बी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। आप कब आई? बेटा मैं रात को 3 बजे आई, अभी फिर से बैंक जा रही। मतलब आप कितने दिनों से सो भी नहीं पा रही हैं? जैसे ही ऑडिट खत्म हो जाएगा ना, मैं 2 दिन की छुट्टी लेके आराम करूंगी। मानसी। हाँ माँ। देख बेटा मैंने किचन में नाश्ता बना के रखा है, टाइम से खा लेना। हाँ चल अब मैं चलती हूँ। चल बाय। बाय। तो शुरू करें योगा? मैं जय को बुलाती हूँ। सुनो आज मैं योगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे कोचिंग में मेरा टेस्ट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। नाश्ता किचन में है, जाकर ले लो। जय। हाँ? मम्मी शायद अपनी फाइल टेबल पर भूल गई हैं। प्लीज उनको दे दो, वो बाहर ही खड़ी होंगी। ठीक है। सुनो ना मैं एक मिनट वॉशरूम जाके आती हूँ। वहां टेबल पे मेरी हेडबैंड होगी, पकड़ाना जरा।
धीरे से आंखें खोलो। ओ, मोंटी तुम? हाँ मैं। इतना ठंडा रिएक्शन? चलेगा मुझे देखकर तो तुम पागल हो जाओ। वो दरअसल बात ये है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मम्मी देखेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कम ऑन जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मोंटी, तुम जैसा रिलेशन चाहते हो मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। बात क्या? मेरी किसी बात का बुरा लग गया? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तो और तेरे भाई ने समझ के क्या रखा है? हाँ, क्या समझ के रखा है? हाँ बहना, तुमने पूरा मूड ही खराब कर दिया। अब ये मेरे कंट्रोल में ही थी, थोड़ा ना नुकुर करती और मेरे बिस्तर पे आ जाती, अब मुझे थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? असल बात ये है ना कि हम दोनों भाई बहन हैं और है हम ठग। हम लोगों से दोस्ती करते हैं, उनके घर पे घुसते हैं, फिर उनसे संबंध बनाते हैं, उनका MMS बना के उन्हें जिंदगी भर ब्लैकमेल करते हैं। समझ में आया? चलो, देर किस बात की, शुरू करते हैं। चलो जाओ, कैमरा लेकर आओ, चल इधर आ, चल। छोड़ो मुझे, जय। छोड़ो जय। चिल्ला और चिल्ला। जय। छोड़ो मुझे। चिल्ला और चिल्ला। तेरे भाई को ना नशे की दवाई दी है, तू कितना भी चिल्लाएगी ना वो नहीं जगेगा। जय, छोड़ो मुझे। जय, छोड़ो मुझे। अब जय। जय। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन को छेड़ेगा? चले, मेरी बहन को छेड़ता है, मेरी बहन का MMS बनाएगा, मेरी बहन को छेड़ेगा, चले, मेरी बहन को छेड़ता है, तुझे और तेरी बहन दोनों को बताऊंगा मैं, साले आज के बाद किसी लड़की को छेड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। जितने भी झड़वाड़ा पैसे है ना सब हमें ला के छोड़ो। जय, मानसी बेटा सब ठीक तो है ना? अरे मैं शुक्ला अंकल। जय, अरे मानसी बेटा, शुक्ला अंकल बोलो, शुक्ला अंकल। अरे मैंने चिरंजली की आवाज क्यों सुनी? तुम्हारा MMS हमारे पास है, अगर तुम चाहती हो कि वो वीडियो वायरल ना हो ना तो अपना मुंह बंद रखना। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्दी मुलाकात होगी। देखो जो कुछ भी है खुल के बताओ। वो दरअसल चार आदमी थे, पहले एक ने एड्रेस पूछने के बहाने दरवाजा खटखटाया, जब मैंने दरवाजा खोला तो उनके साथ तीन और आदमी अंदर चले आए। और बिना कुछ कहीं सुने उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कुछ तुम्हारे साथ गलत तो नहीं किया? चलो जाओ, कैमरा लेकर आओ, चल इधर आ, चल। छोड़ो मुझे। जय। छोड़ो। देखो तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात है खुल के बताओ। वो इंस्पेक्टर साहब, मानसी
क्या हुआ मानसी? तुम कौन? नमस्ते सर, मैं रोमा, मानसी की फ्रेंड। ओके मानसी, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? बताओ मानसी। शायद उनके इरादे कुछ ऐसे ही थे, पर जब तक वो लोग ऐसा कुछ कर पाते, हमारे पड़ोस के शुक्ला अंकल आ गए थे और वो लोग पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये किसी लुटेरे गैंग का काम लगता है। आरती जी, आप एक मिनट के लिए बाहर आएंगे? जी सर। हमारी नजर है ना हर समय तुम दोनों पे ही है। अगर तुम दोनों ने अपनी जुबान खोली, एक बात अपने कान खोल के सुन लेना, जेल जाने से पहले ना मैं और मॉन्टी तुम्हारे फैमिली का पूरा नामो निशान मिटा देंगे। नहीं नहीं रोमा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही हो। गुड। और वैसे भी कुछ दिन के लिए मम्मी यहीं रहने वाली है, तो अगर वो कहीं चली जाए ना तो मुझे फोन कर देना, और सारा कैश और सारा जवाहरात मेरे पास लाके देना। रोमा तुम्हें जो भी चाहिए हम दे, बस हमें बख्श दो। आपको किसी पे शक है या आपकी किसी से दुश्मनी है? नहीं सर, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ये किसी न किसी ऐसे इंसान का काम लगता है जो आपके घर से अच्छी तरह वाकिफ था। आपके घर में कोई काम करने वाली बाई या दूध वाले या धोबी आता हो? नहीं सर, ऐसा कोई हमारे घर में नहीं आता सिवाय इसके। ये रोमा मेरी बेटी को योगा सिखाने आती। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। I'm sorry भाई, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। पागल, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ मैं। मुझे रक्षाबंधन का किया हुआ वादा याद है। सुन, इधर बैठ। मुझे लगता है हमें माँ को रोमा और मॉन्टी के बारे में बता देना चाहिए। पागल है क्या? वो दोनों बहुत खतरनाक है और उनके पास तुम्हारा वीडियो भी है। अगर वो वायरल कर दिया ना तो माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? वही जो रोमा चाहती है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ। अब बिना नखरे के तुम दोनों को ये पीना है। चलो जल्दी से पी लो। लो ले। अरे दर्द कम होगा थोड़ा, ले ले। क्या हुआ? मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ सारा कैश और कीमती सामान इसी तिजोरी में रखती, लेकिन इसकी चाबी कहाँ होगी?
जाए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोचिंग की फीस जमा करनी थी 5,000, और वो भी कल। मैं सोचा कि आप सो गई होंगी तो मैं यहाँ से आके ले लूँ। रुक, लो ये चाबी लो, और सुनो, पैसे निकालने के बाद चाबी वहीं पे रख देना। कुछ दिन के लिए मम्मी यहीं रहने वाली है, तो अगर वो कहीं चली जाए ना तो मुझे फोन कर देना, और सारा कैश और सारा जवाहरात मेरे पास लाके देना। चाबी तो मिल गई, अब मम्मी कहीं जाए तो काम हो जाएगा। हेलो सर, इस समय? सर आपको तो मालूम है ना, 2 दिन पहले ही मेरे घर पे कुछ लोगों ने अटैक किया है। अच्छा अच्छा ओके सर, मैं आती हूँ, ठीक है? मानसी, जय, अपने जिस प्रमोशन के लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसके इंटरव्यू के लिए मुझे बैंक जाना पड़ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ, आप बेफिक्र होकर जाओ। क्यों जय? हम मैनेज कर लेंगे। मेरे बहादुर बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ, चलो। ध्यान रखना। हमें मम्मी की टेंशन को खत्म करना होगा। क्या मतलब? मतलब मोंटी और रूमा को पैसे देके उनका मुंह बंद करना होगा, वरना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जे, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उनके चंगुल से निकलने का यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। बस तुम मेरा साथ दो मानसी। हेलो रोमा, मैं देखती हूँ। पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ, चल। जेवर कहाँ? मोंटी, ये घर का सारा कैश है, जेवर छोड़ दो प्लीज। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से मानसी की शादी के लिए जोड़े। लेकिन अगर मानसी नहीं रही तो कहने का क्या करूँ? प्लीज प्लीज उसे उसे कुछ मत करो प्लीज। लॉकर उस रूम में। हाँ
आंटी प्लीज प्लीज इतने पत्थर दिल मत बनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज प्लीज हमारे जेवर छोड़ दो, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। कहा था ना रोमा, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। देखा ना, कहा था मैं तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, रोमा कभी किसी पे रहम नहीं करती। एटीट्यूड तो देखो, खुद को मिस इंडिया समझती है। क्या बोला? भूल गई कैसे दुत्कार के भगाया था कमरे में से? हाँ, क्या बोला था? ए, बोला छोड़ उसको। क्या एटीट्यूड देखो, खुद को मिस इंडिया समझती है। ये काम तो मैं करूंगी। चाकू छोड़ो। मानसी तुम ठीक हो? कोई हिलेगा नहीं। हाँ तुम लोग यहां कैसे आए? अलार्म सुनकर। मैं बताता हूं, कहते हैं ना कि अत्याचार से डर के हार मान लेना भी अत्याचार होता है, और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम दोनों को तो मैं पकड़वा के ही रहूंगा। फिर मैंने ऑनलाइन एक अलार्म सिस्टम खरीदा और उसे मैंने अपने लॉकर में लगाया। प्लान बनाया तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़वाने का, और वीडियो वायरल करने का चांस भी नहीं मिल पाए। उस अलार्म सिस्टम में हर बार एक कोड डालना होता है, और अगर बिना कोड डाले उस लॉकर को खोला तो अलार्म पुलिस स्टेशन में बजता है। वही अलार्म सुनकर हम लोग यहां पहुंच गए। कहते हैं ना कि लालच में इंसान अंधा हो जाता है, और वही तुमने किया, बिना कोड डाले लॉकर खोल दिया और अलार्म पुलिस स्टेशन में बजा। और जब तुम लोग जाने लगे तब तुम लोग को मैंने भड़काया ताकि पुलिस के आने तक तुम लोगों को रोक सकूं। अरे ये क्या हो रहा है? मैडम यही है आपके दोनों गुनहगार। बच्चों तुम दोनों ठीक हो ना? नहीं माँ, मैं ठीक नहीं हूं। रोमा तुमने मुझे तोड़ के रख दिया है, अब मैं शायद ही कभी किसी इंसान पे भरोसा कर पाऊंगी। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? मैंने तो तुम्हें अपनी बहन अपनी फ्रेंड माना था, और तुमने नहीं, तुम दोनों इंसान के नाम पर भेड़िए निकले। तुमने मेरे विश्वास का गला घोट दिया और मेरा इंसान पर से भरोसा उठ गया है। अब देखो मानसी, किसी अपराध के कारण अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए, इससे अपराध और अपराधी दोनों की जीत होती है। एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए, और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी जागरूकता से होने वाली घटनाओं को हम रोक सकते हैं। जय, तुम्हारी हिम्मत की दा देनी पड़ेगी। इन दोनों से तुम हार नहीं माने, और अपनी हिम्मत से इन जैसे लोगों को पकड़वाया, और एक बेटे और एक भाई का फर्ज भी अदा किया। और रही बात इन दोनों की, ये तो जाएंगे बहुत समय के लिए अंदर। ये ले चलो रे इनको।